दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चास कॉलेज चास, और आज आप लोगों को मैं फुल ब्लॉग वीडियो दिखाने वाला हूं चास कॉलेज चास का। तो चलते हैं अंदर की ओर। गाइस हम लोगों का फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, एंड ये रहा क्राउड, देख पा रहे होंगे जितने भी स्टूडेंट थे सब, एंड यहाँ पे हम लोग का क्लासमेट सब इधर है सब। अब ममता भी अभी सब हम लोग निकलने वाले हैं घर की ओर। दोस्तों जैसे ही आप लोग इन करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पे आर्ट्स के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जो भी एडमिशन लेते हैं, एंड ब्लॉक ए पे आप लोगों को देखने को मिलेगा साइंस के स्टूडेंट। ये रहा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो को लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मेरे पीछे में आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं हूँ चास कॉलेज चास पे, और दोस्तों अभी हम लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। छोटा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हम लोगों का जो सेशन था वो 17-21 था, जो कि हम लोग पास आउट हो चुके हैं ग्रेजुएट। दोस्तों हुआ ये था ना कि 3 सेमेस्टर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लिया था और 3 सेमेस्टर कोलांचल लिया था, इसके चलते हम लोगों को फिर से री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और अभी हम लोग हैं, देख सकते हैं चास कॉलेज चास पे, और आज हम लोगों का लास्ट पेपर, और लास्ट पेपर पे मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूं, और आज आप लोगों को मैं टूर करवाने वाला हूं चास कॉलेज चास का। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। तो चलते हैं गाइज, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिलेगा चास कॉलेज चास पे, और अभी स्टूडेंट आ ही रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो चलते हैं अंदर की ओर। रहा दोस्तों लोकेशन, आप लोग देख सकते हैं मेन हाईवे के सामने में ही आप लोगों को चास कॉलेज चास मिल जाएगा, पुरुलिया रोड। ये रहा, इधर से आप लोग ITI मोड़ जा सकते हैं, एंड इधर से आप लोग जा सकते हैं बंगाल तक भी। तो चलते हैं हम लोग अंदर की ओर। ये रहा दोस्तों मेन गेट, जैसे ही आप लोग इन करते हैं सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा चास महाविद्यालय चास। तो ये रहा, अभी स्टूडेंट आ ही गए हुए हैं। ये रहा दोस्तों, बहुत सारा अभी उस साइड पे भी ऑफिस वगैरह बन गया हुआ है, जो कि आगे आप लोगों को देखने को नहीं मिला था। एंड ये रहा, अभी यहाँ पे आप लोग जेरक्स वगैरह सारा चीज़ कर सकते हैं, जो कि आगे अवेलेबल नहीं था। एंड ये रहा नज़ारा, आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट आए हुए नहीं हैं। ये रहा पीछे में, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी धीरे धीरे सबको आ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ का ब्लॉग दिखा दूँ। एंड ये रहा नज़ारा पूरे चास कॉलेज का, एंड यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉक बी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे ब्लॉक है, जो कि यहाँ पे जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन लोग यहाँ पे ये करते हैं, एडमिशन करते हैं। एंड ये रहा साइंस सेशन, जो कि यहाँ पे है, और हम लोगों का वो था ज्योग्राफी ऑनर्स। आइए आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा हम लोगों का ज्योग्राफी ऑनर्स, इसी से हम लोग पेपर दिए हुए थे, वो था हम लोगों का क्लास। एंड ये रहा पूरे चास कॉलेज चास का नज़ारा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन विजिट किए हुए हैं। एंड जैसे आप लोग उस पार जाइएगा, आप लोगों को वहाँ पे फील्ड मिल जाएगा, जो कि फुटबॉल क्रिकेट और भी बहुत सारा जितना भी खेल होता है वहाँ पे होता है। बट गाइज आप लोगों को वहाँ से दिखाता हूँ फील्ड का नज़ारा, जो कि हमेशा वहाँ पर जो भी खेल होता है टूर्नामेंट वगैरह क्रिकेट फुटबॉल सारा चीज़ उसी पे होता है। एंड ये रहा नज़ारा, इस जगह पे हम लोग जिस टाइम पे थे उस टाइम पे गार्डन बहुत ही अच्छा था, बट अभी देख सकते हैं किस तरह का स्थिति है, और मौसम भी अभी बरसात का मौसम नहीं है, इसीलिए आप लोगों को इस तरह का दिख रहा है। तो ये रहा, हो सकता है कि शायद ये खुला होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, अभी यहाँ पे लॉक किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि ये रहा फील्ड, जो कि यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह होता है। ये रहा नज़ारा, और दोस्तों ये रहा पूरा नज़ारा, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखाया। एंड अभी हम लोग जल्दी बना रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 10 बजे से, 10 से लेके 1 तक अभी चल रहा है, और लास्ट हम लोगों का आज पेपर है, और लास्ट पे जब भी हम लोग बाहर निकलेंगे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं
सबसे आप लोगों को फिर से मैं मुलाकात करवाऊंगा। और दोस्तों हुआ ये है ना कि सब कोई अलग अलग ये सब्जेक्ट लेके जो ये वाला लास्ट वाला एग्ज़ाम है उसको दे रहे हैं, तो हम लोग लिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो जो भी लिए हुए हैं उनको आज मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं। एंड ये रहा नज़ारा, अभी हम लोग चलते हैं बाहर की ओर और यहाँ पे कुछ कुछ भाई लोग मिल गए हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पोर्दुम। आपका? राजेश माथा। तो चलते हैं हम लोग बाहर की ओर, क्योंकि अभी हम यहाँ पे गेट अभी बंद होने वाला है एंड सब कुछ चेक करेंगे फिर ही अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले बाहर की ओर और फिर फोन वोन भी हम लोगों को बाहर पे ही जमा करके ही अंदर जाना होता है, क्या भाई? हाँ हाँ। तो चलते हैं बाहर की ओर। गाइस हम लोगों का फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है एंड ये रहा क्राउड, देख पा रहे होंगे जितने भी स्टूडेंट थे सब, एंड यहाँ पे हम लोग का क्लासमेट सब इधर है सब। अब ममता भी अभी सब हम लोग निकलने वाले हैं घर की ओर और राकेश भी आ चुका है। बता भाई आप लोगों का एग्जाम कैसा गया? एग्जाम कैसा गया विकास? एग्जाम तो खराब गया। खराब गया? चोरी करने नहीं मिला। अच्छा, चोरी करने कैसे नहीं मिला भाई? तुमको नहीं दिया ऑब्जेक्टिव? भाई पूरा ऑब्जेक्टिव जनता लिखा हुआ है इसका कॉपी में, भाई लिख दिए। बहुत ही अच्छा हम लोगों को मिला एंड सर लोग भी काफी अच्छा हेल्पफुल किए, क्या क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। सो दोस्तों फाइनली हम लोग का एग्जाम कम्प्लीट हो चुका है और काफी अच्छा एग्जाम भी गया और जितने भी हमारे फ्रेंड्स लोग थे और भी थे बट सबको ये सब्जेक्ट अलग अलग लिए हुए थे इसीलिए सब बिछड़ गए। हो सकता है कि सेकेंड सिटिंग में बहुत कोई आने वाले हैं। एंड ये रहा अभी का क्राउड, सब अभी फाइनली निकल चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर। तो चलते हैं हम लोग बाहर की ओर और हल्का सा आप लोगों को मैं टूर करवाना चाहता हूँ चास को ले चास का। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर। सही बात है। एंड ये रहा बाहर का नज़ारा। हाँ वीडियो तो शूट हो रहा है भाई। एंड ये रहा अभी जितने भी फर्स्ट सीटिंग के थे स्टूडेंट लोग सबको निकल गए हैं एंड से कुछ देर बाद अभी सेकेंड सीटिंग होने वाला है। ये रहा नज़ारा। फिर रोशन भाई भी मिल चुके हैं एग्जाम सेंटर से बाहर। एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक ही गया। अच्छा आप निकल रहे हैं घर की ओर क्या? तो चलिए मिलते हैं फिर भाई अंदर थोड़ा सा आइए। सो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मैंने चास कॉलेज चास का टूर करवाया एंड दोस्तों आज हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम था जो कि फाइनली ख़त्म हो चुका है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि चारों पेपर का हम लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम हो गया हुआ है। एंड दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को चास कॉलेज चास का वीडियो कैसा लगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो पे। टाटा बाय बाय।